नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों आज हम शाक्त तिलक विधि के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोगों का बहुत समय से रिक्वेस्ट था। इस वीडियो ये बताने के बाद जो है मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से अवश्य सुनिएगा, नहीं तो कई सारे लोगों का कई सारे कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे लगता है उसे दूर करना जरूरी है थोड़ा। तो शाक्त तिलक विधि में कहा गया है, तिलकं रक्त गंधेन चंदनेन च वाप्रिये दिव्यस्त्रं विलिखेत भाले तारा विजं ततो हृदि शक्तिं मध्य गता कुर्यात् साधक नरपुंगम दिव्यस्त्रम शशोपाशीत दिव्यस्त्रम लिखे दिध्यर्थ। तो रक्त चंदन द्वारा, लाल रंग की जो चंदन है, रक्त चंदन ज्वाला तिलक करना चाहिए, रक्त चंदन द्वारा जो है तिलक करना चाहिए। और रक्त चंदन हमेशा देवी पूजा के तिलक जो होते हैं ना, वो गोलाकार होते हैं, मतलब गोल जो बिंदी होते हैं उस प्रकार से जो है हमेशा वो तिलक होता है, जो देवी पूजा के तिलक होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लंबा लेते हैं, पर असल में देवी पूजा के जो तिलक होते हैं वो गोलाकार होते हैं हमेशा, उसे शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। जो गोल होते हैं ना, आप देखिएगा वो जो कलश आदि सभी जगह पर जो गोलाकार होते हैं वो असल में शक्ति का प्रतीक होता है। बिंदु बिंदु को जो है हमेशा शक्ति रूप माना जाता है। तो रक्त चंदन के द्वारा जो है आपको तिलक करना चाहिए, तिलक ललाट में करके जो है देवी के अस्त्र लिखना चाहिए, जिस देवी के आप उपासक हैं अस्त्राकार तिलक करना चाहिए, और उसमें तारा बीज और मध्यस्थल में शक्ति बीज को लिखना चाहिए। तो आपको जो है रक्त चंदन से तिलक करना है, और आपको जो है देवी के अस्त्र जो है, जो अस्त्र आपके उपास्य या फिर आपके इष्ट देवी के अस्त्र जो है वो आपको तिलक में रखना चाहिए, या फिर अस्त्राकार भी आपको तिलक कर सकते। बहुत सारे आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग अभी तो उतना नहीं करते हैं, पर बहुत सारे लोग एक्चुअली कर नहीं पाते, पर बहुत जो एक्सपर्ट होते तिलक करने में वो क्या करते हैं, वो देवी के जो अस्त्र होते हैं, मान लीजिए काली उपासक है कोई, तो खड़ग जो है वो उनके ललाट पर जो है वो बनाते हैं अस्त्राकार। यहाँ पर कहा जा रहा है अस्त्र लिखना होगा या फिर अस्त्राकार जो है वो तिलक करना होगा। आप बिंदी के भीतर अस्त्र को लिखिए, जिस प्रकार अस्त्र है अस्त्र उस प्रकार अंकित करिए, या फिर अस्त्राकार भी आप तिलक कर सकते हैं, और उसमें आपको तारा बीज लिखना चाहिए और जो है शक्ति बीज जो है वो आपको लिखना चाहिए। असल में ये जो सारे बीज आदि होते हैं, ये जो तिलक आदि विधि होते हैं, असल में ये गुरु जब आपको प्रदान करेंगे कोई बीज मंत्र आदि, तभी जो है इस प्रकार विधि विधान के साथ जो है ना आपको तिलक करना चाहिए। पर आप अगर साधारणता अगर करना चाहते हैं तो आप जो है रक्त चंदन की बिंदी बनाकर अस्त्राकार जिस भी देवी के आप उपासना कर रहे हैं तो अस्त्र जो है वो आप उसमें अंकित करिए या फिर लिखिए, उसे लिखना कहा गया है, लिखने का मतलब यहाँ पर अंकित करना ही है। तो उस प्रकार जो है आपको तिलक करना चाहिए। तिलक हमेशा शक्ति पूजा के तिलक जो है वो रक्त चंदन के द्वारा होगा, और जिस भी उपास्य आपके देवी देवता होंगे उनके अस्त्र जो है वो आपको उस तिलक में जो है, मतलब उस बिंदी में जो है आपको लिखना चाहिए। इसे ही जो है शक्ति तिलक कहा जाता है। तो ये हो जाता है शक्ति तिलक, रक्त चंदन द्वारा तिलक करना होगा आपको, उसके साथ साथ अस्त्र लिखना होगा, और उसके साथ साथ तारा बीज और शक्ति बीज जो जब आपकी दीक्षा आदि हो जाए तो ये प्रॉपरली कर सकते हैं। और साधारणता आप कर रहे हैं तो आप जो है रक्त चंदन और अस्त्र जो है वो लिखकर आप ये तिलक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण आपसे विषय चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो है शक्ति मतलब शाक्त संप्रदाय की पूजा आदि विधि के चैनल है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल मात्र शाक्त संप्रदाय की विधि आदि के कोई विषय नहीं बताए जाते, यहाँ पर हम वैष्णव पूजा आदि मतलब लक्ष्मी नारायण पूजा आदि के बारे में बताते हैं, हम जो है शिव पूजा किसी भी प्रकार की गणेश पूजा आदि सभी के विषय में बताते हैं। हाँ, पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादातर आपको वीडियो में जो है शक्ति पूजा के यानी कि मातृ पूजा के विषय में आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम जिस भूमि में रहते हैं दोस्तों, ये पूर्व भारतीय भूमि है, बंगाल से बनारस तक ये तंत्रुक्त भूमि है, ये देवी पूजा या मातृ आराधना की भूमि है।
असल में जो है ये जो शाक्त शब्द है शक्ति साधना से आया है। तो शक्ति साधना उस प्रकार से अगर देखा जाए तो वैष्णव भी करते हैं, शैव भी करते हैं और मातृ उपासक जो है वो भी करते हैं। जो परम मतलब जिन्होंने जो है इस तत्व को समझ पर जिन्होंने ज्ञान को सच में प्राप्त किया है वो आपको कहेंगे कि अगर आप उनसे कहें कि वो क्या साधना करते तो वो कहेंगे शक्ति साधना। शक्ति साधना हमारी मूल सनातन जो धर्म है उसके आधार है। शक्ति आराधना या शक्ति साधना ये केवल मात्र जो है ना शाक्त संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखता है। असल में जैसे मैंने आपको कहा कि शाक्त शब्द की जगह अगर हम मातृ संप्रदाय या फिर मातृ आराधना की ये जो विषय हम कहते हैं जैसे वैष्णव आराधना, शैव आराधना, मातृ आराधना ये कहते हैं तो ये ज़्यादा स्पष्ट होता है। शाक्त भावना सभी में है और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है शक्ति पूजा के यहाँ पर वैष्णव पूजा की भी काफ़ी चलन है। काशी में जैसे शिव पूजा की काफ़ी चलन है, यहाँ पर वैष्णव पूजा की काफ़ी चलन है क्योंकि महाप्रभु की भूमि भी यही है। तो महाप्रभु की भूमि ये होने के नाते पूर्व भारत जो है वो वैष्णवों का भी एक प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमि है। तो यहाँ पर वैष्णव विधि विधान भी उतना ही है। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रचलित अगर हम विधि विधान यहाँ पर नियम की बात करें तो यहाँ पर वो मातृ आराधना से बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुड़ा है। तो इसलिए हमारे चैनल में आपको वो सारे विषय ज़्यादा मिल सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल मात्र शाक्त संप्रदाय की विधि विधान के ऊपर ही वीडियोस आदि बनाते हैं। इस प्रकार की गलत भावना जो है मन में रखना सही नहीं है। हमारे पूजा विधि जो है वो धूप धुनुची पूजा पद्धति या पर धूप धुनुची आरती है और ये जितना मातृ आराधना, शैव आराधना, वैष्णव आराधना सभी आराधना के ऊपर हम समानता से करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी भूमि जैसे कि पूर्व भारतीय भूमि में मातृ आराधना ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 70% लोग जो है वो मातृ आराधना में मगन रहते हैं तो उसका प्रभाव जो है ना वो होगा ही। तो इसलिए जो है आपको वो सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य है उद्देश्य वो है। हमारा उद्देश्य धूप धुनुची पूजा पद्धति के साथ माँ के पूजन करना भी जैसे है उसी प्रकार से जो है सभी के असल में जो है ना अब क्या होता है यहाँ पर माँ के पूजा करने में एक जो अपनापन आपको यहाँ पर महसूस होगा, यहाँ की जो पूजा पद्धति या फिर ये जो एक वातावरण बन जाता है मातृ परिवेश का वो असल में जो है बहुत अपनापन भरा होता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर देवी पूजा या मातृ पूजा के जो विषय जो है वो बहुत मिलेगा। और तंत्रुक्त भूमि में जो है मातृ पूजा की विशेषता तो होगी ही दोस्तों, ये तो विषय है। तो हमारे उस कारण से आपको प्रभाव मिल सकता है चैनल के वीडियोस पर केवल मात्र किसी संप्रदाय का कोई विषय जो है यहाँ पर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तिलक विधि के बारे में था आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।